हे गाइस व्हाट्स अप। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ग्लोरी स्टोर बफ के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं AQ सीजन 8.5 की पोस्ट यहाँ पड़ी हुई है फोरम पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो नेक्स्ट सीज़न है वो स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल 10 से। तो अप्रैल 10 से जो है यहाँ पे कुछ वो है डिटेल्स हैं AQ को लेके कि क्या बॉस होंगे और क्या लिंक्स होंगी या फिर और क्या क्या चेंजेस होंगे, तो वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उतना कुछ यहाँ पे खास ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ आके डिटेल में इसको देख सकते हैं। पर यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो है हमारे ग्लोरी स्टोर बफ। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर आप थ्रोन ब्रेकर हैं तो पहले जहाँ पे हमको T2 अल्फा मिलता था 30%, वहाँ अब मिलेगा हमें 50%। कॉस्ट सेम रहेगी, कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज नहीं है यहाँ पर। और दूसरी जो चीज़ है वो है हमारी T5 CC, जो कि 5% मिलता था, वो 5% ही मिलेगा। पर मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2700 का था पहले, अब वो 1500 ग्लोरीज का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अनकलेक्टेड और कैवलियर को सेम तरह से ट्रीट करा गया है। तो यहाँ पे T2 अल्फा जो पहले 30% था वो 40% कर दिया गया है, कॉस्ट में चेंज नहीं है। और सेम T5 बेसिक जो 10% था वो 15% कर दिया गया है, इसके भी कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हमारे प्री अनकलेक्टेड प्लेयर्स के लिए यहाँ पे ग्रेटर ग्लोरी क्रिस्टल्स को रिप्लेस कर दिया गया है T4 CC क्रिस्टल से, जिसकी कॉस्ट होने वाली है 350 ग्लोरीज पर परचेज। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कम से कम आपको एक फुल T4 CC तो मिलेगा। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है यहाँ पे T2 अल्फा को लेके, वो भी 5% से 10% पे इंक्रीज़ कर दी गई है, और कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा चेंज है ये, काफ़ी अच्छा बफ है हमारे स्टोर पे। सो गाइस, हमारे ग्लोरी स्टोर बफ से रिगार्डिंग बस इतनी न्यूज़ थी। बाकी कल अनलॉक हो जाएगा ओडिन स्कॉटलेट T10, तो उसको भी खेल के देखेंगे, जिसका बॉस भी रिवील्ड हो गया है जो कि मैनगॉग होने वाला है। बाकी डिफ़िकल्टी हम कल खेल के पता लगा लेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें बिना मत जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।